फार्मा वॉरियर चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी का जो सीएचएसएल का जो फॉर्म निकला था उसका ही एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, तो उसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं, जिसके लिए आ चुके हैं एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के लिए हम लोग सर्च कर लिया है www.ssc.neet.in। उसके बाद ही हम चले जाएंगे एडमिट कार्ड का सेक्शन पर। एडमिट कार्ड का सेक्शन पर जाने के बाद बहुत सारे रीजन का आपका दिखाई देगा, तो आप जिस रीजन के अंडर आता है उस रीजन का आपको चूज कर लेना है। तो हम लोग आते हैं ईस्टर्न रीजन का, तो हम लोग ईस्टर्न रीजन के चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद ही यहाँ पर 4 मार्च को आपको दिखाई देगा डाउनलोड ई एडमिट कार्ड होता है सीएचएसएल। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का पॉपअप आपके सामने ओपन होकर आएगा, जहाँ पर आपको नाम डालना है, नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद साम करके यहाँ पर डाल लेना है। डालने के बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा, जहाँ पर आपको बताया गया है जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, जब एडमिट कार्ड लेके आप जाएंगे उस टाइम पर आपको वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह वगैरह लेके जाना है। यहाँ पर फर्स्ट आपको उसको देख लेने के बाद ओके बटन में क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर आपको रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा, जहाँ पर नेम आपका फादर्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, रिपोर्टिंग टाइम और सिटी, कौन सा सिटी पर आपका एग्जाम सेंटर पड़ा है, वो सब यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो रोल नंबर का बटन आप देख पाएंगे, वहाँ पर आपको कोई भी अभी नॉर्मल में ब्लू कलर का है, अभी वो रेड बटन का हो जाएगा, आप वहां से ही क्लिक करके आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन का 3 से 4 डेज पहले ही इस जो रोल नंबर है वो रेड बटन में कन्वर्ट होता है, उस टाइम पर ही आप क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल इस जो डेट दिया है, इस डेट को इसलिए दिया गया है एसएससी की तरफ से क्योंकि आप जब दूर से आते हैं तो उसके लिए आपको ट्रैवलिंग का अरेंज करना पड़ता है, तो ट्रैवलिंग का अरेंज आप ठीक से कर पाए, ठीक ठाक से आप एग्जाम सेंटर में पहुंच पाए, इसीलिए आपको पहले से जो डेट है वो आपको दिया गया है और प्रिपरेशन भी आप अच्छे से ले सकते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर डेट को फाइनल करके दिया गया है। तो इस जो नोटिफिकेशन है, इस जो नोटिफिकेशन का जो डाउनलोड करने का प्रोसेस है, सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया है, और इस नोटिफिकेशन को मतलब इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें मिल जाएगा। आशा करते हैं आज का जो वीडियो था वो इन्फॉर्मेटिव रहा हो, कैसे आपको इस एसएससी से कैसे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा सारा कुछ क्लियर हो गया हो। इस तरह का और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, फार्मा रिगार्डिंग जॉब अपडेट पाने के लिए, फार्मेसी पढ़ने के बाद कौन सा एग्जाम पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन से एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं, सब कुछ जानने के लिए फार्मा वेरस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक कर कमेंट करके हमारा जो इंस्पिरेशन है वो बढ़ा के चलिए, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो को और भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने का। तो मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विद फार्मा वेरस। फार्मा के साथ बने रहने के लिए असंख्य धन्यवाद।